मतलब नॉन अमेरिकन है जी 6.10 एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 horsepower इज यूज्ड टू रन वाटर पंप द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक ठीक है एक मोटर है जी इलेक्ट्रिक उसकी पावर जो है वो 1 horsepower है और ये क्या करती है वाटर पंप को रन करती है या उसको चलाती है और ये 10 मिनट में ओवरहेड जो है उसको फिल कर देती है ओवरहेड टैंक जो है उसको फिल कर देती है टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर तो जो ओवरहेड टैंक है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 800 लीटर है एंड हाइट ऑफ 15 मीटर और ये यहाँ जमीन से 15 मीटर की हाइट पर मौजूद है फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये जितना काम करेगी पानी को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जाने में तो वो हमने कैलकुलेट करना है ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम और साथ ही हमने ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें मोटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ठीक है इनपुट मिल रही है और उसके आउटपुट में पानी को यहाँ पे लेके जा रही है तो हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है कि ये पूरा सिस्टम कितना एफिशिएंट है तो इसके लिए कि हमें जो गिवन डेटा है सबसे पहले तो हमें पावर ऑफ मोटर बताई गई है जो कि 1 horsepower है और ये आपने याद रखना है कि 1 horsepower जो है ये 746 watt के इक्वल होती है टाइम हमें बताया गया है 10 मिनट का और 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो मिनट नहीं बल्कि सेकंड है तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 सेकंड आ जाएगा हाइट हमें गिवन है 15 मीटर यानी कि टैंक यहाँ से 15 मीटर हाइट पे है मोटर के ऊपर है कैपेसिटी ऑफ टैंक वॉल्यूम हमें बताया गया है 800 लीटर वर्क हमने फाइंड करना है और साथ ही हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो ये यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा बल्कि सिर्फ आप एफिशिएंसी लिखेंगे ये हमने फाइंड करना है तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले चीज तो हमने जो वर्क उस मोटर ने किया यहाँ से ऊपर तक पानी को लेके जाने के लिए वो हमने कैलकुलेट करना है तो हमें एक फार्मूला पता है जी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी क्योंकि हमें पावर भी गिवन है मोटर के साथ हमें टाइम भी गिवन है तो इस फार्मूले की मदद से हम वर्क निकाल सकते हैं तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी है और डब्ल्यू वर्क अगर हम फाइंड करना चाहें तो टी इधर डिवाइड हो रहा है जहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा टी की वैल्यू 1 horsepower थी जो वॉट के अंदर अगर आप करें तो ये 746 बनती है 746 मल्टीप्लाई टाइम जितना था 600 सेकंड को तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोटर हमारी जो काम कर रही है ठीक है ये 4,47,600 जाउल का काम कर रही है तो ये क्या है इसकी इनपुट है ये इतना अपना जो है ना इतनी अपने वर्क जो है वो इनपुट कर रही है सिस्टम में पानी को ऊपर उठा के लेके जाने के लिए उसके बाद आगे अब हम आउटपुट निकालते हैं क्योंकि हमने एफिशिएंसी भी निकालनी है तो आउटपुट जो है ये जो पानी जमीन से जब टैंकी में पहुंचेगा टैंक के अंदर पहुंचेगा तो पानी वहां पे जाएगा तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वर का हाइट पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दरअसल आउटपुट है हमारी तो आउटपुट निकालने के लिए इसकी तो उसको हम एम जी एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उस पानी की जो टैंक के अंदर मौजूद है तो एम की वैल्यू यानी कि मैथ अब जो पानी था वो तो हमें बताया गया था कि ये 800 लीटर के इक्वल है तो अब हमें एक चीज याद रखनी है कि जो 1 लीटर पानी होता है उसका मैथ कितना होता है तो 1 लीटर पानी का मैथ 1 किलोग्राम होता है तो ये आप उसको याद रख लें तो 800 लीटर पानी था ठीक है उसका वॉल्यूम था तो उसका मैथ भी कितना बनेगा 800 किलोग्राम बनेगा तो ये मैथ की जगह हम क्या लिख देंगे जी 800 किलोग्राम लिख देंगे मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी है 10 है और एच की वैल्यू कितनी है 15 तो ये तीनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1,20,000 जाउल बन जाएगा तो ये आपकी आउटपुट है ठीक है जो हमें हासिल हुई है मोटर ने काम किया और ये इतनी एनर्जी जो पानी के अंदर स्टोर हो गई इनपुट जो था वो 4,47,600 जाउल था तो परसेंटेज एफिशिएंसी अगर आप निकालना चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कितना एफिशिएंट है तो इसमें आप उस फार्मूला जो होता है वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100 होता है तो आउटपुट आपकी कितनी आई है 1,20,000 जाउल डिवाइडेड बाय इनपुट मोटर ने कितना काम किया 4,47,600 जाउल का काम किया मल्टीप्लाई 100 तो अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 26.8% बनेगा अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो मोटर जितना काम कर रही है उसके मुकाबले में तकरीबन सिर्फ जो है ना 26.8% एफिशिएंट है ये सारा सिस्टम बाकी जितनी तकरीबन 74% जो एनर्जी है वो जाया हो रही है
ठीक है, फ्रिक्शन में या जो पानी जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अगेंस्ट काम हो रहा है, तो उसमें ये सारी चीज लाया हो रही है। ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है जी, तो मास ऑफ वन लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये चीज करने के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ये हमारे चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो